ग्वालियर से है, जहां बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की शादी तय होने के बाद उसकी ससुराल में हंगामा मचा दिया। उसके दोस्त के होने वाले पति को कॉल कर अपनी दोस्त की पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद से छात्रा का रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। इधर आरोपी बॉयफ्रेंड रोज छात्रा के पीछे पीछे उसके कॉलेज तक आ रहा है। छात्रा ने जब उसका वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल छीन कर सड़क पर फेंक कर तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, सरेराह छात्रा का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ भी की गई है। ये घटना उपनगर मुरार के वीआरजी कॉलेज से लेकर नदी पार टाल इलाके तक की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। ये पूरा मामला है उपनगर मुरार नदी पार टाल निवासी 19 वर्षीय रानी, जो की बदला हुआ नाम है, विजया राजे सिंधिया गर्ल्स कॉलेज मुरार में बीए की छात्रा है, जहां कुछ पहले तक जालौन यूपी निवासी सूर्यांश सोनी से उनकी अच्छी दोस्ती थी। वहीं कोचिंग पर दोनों साथ पढ़ते थे। साथ पढ़ने के दौरान ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। सूर्यांश मूल रूप से जालौन यूपी का रहने वाला है। अभी हाल में ही छात्रा की सगाई उसके परिजनों ने कहीं दूसरी जगह तय कर दी और इस बात का सूर्यांश को काफी बुरा लगा। उसे लगता था कि छात्रा उससे ही प्यार करती है, पर छात्रा के भी शादी से हाँ कर देने पर वो आक्रोशित हो गया। उसने ससुराल में होने वाले उसके पति को बार बार कॉल कर एक दूसरे के रिश्ते होने की बात कही, जिससे उसका नए हुआ रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि सूर्यांश उसका रिश्ता होने के बाद से उसका पीछा करता है, सड़क पर उससे छेड़छाड़ करता है और जब उसने इसका वीडियो बनाना चाहा तो आरोपी ने उसका मोबाइल सड़क पर ही छीन लिया और फेंक कर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, सबके सामने अश्लील गालियां देते हुए बदनाम करने की भी धमकी दी, जिससे छात्रा परिजनों के साथ मुरार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में टीआई शैलेंद्र भार्गव का कहना है कि आरोपी कभी छात्रा का दोस्त हुआ करता था और अब जब छात्रा की शादी पक्की हो गई है तो उसने ये हरकत की है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दबिश दी है लेकिन आरोपी फरार हो गया है। पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कल कराई गई है कि उसका पहले सहपाठी था, उसके साथ पढ़ा था, लेकिन उसके बाद जब उसने उससे संबंध तोड़ दिए तो जब उस लड़की का संबंध फाइनल हो गया एक दूसरी जगह, तो लगातार उस व्यक्ति को नाते वाले इसके बारे में गलत संदेश भेज रहा है और इसका पीछा करके इसका मोबाइल भी तोड़ने की उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर से प्रकरण पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पार्टी रवाना कर दी गई है।